एटलीस्ट हम ऑलरेडी चैप्टर 12 दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट कर चुके हैं और हमने 12.2 के एंड पे आ चुके हैं। आज हमारे सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन रह गए, 11th, 12th और 13th, और आज हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो हम स्टार्ट कर देते हैं बिना कोई वक्त जाया करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि तुम्हारी कार में दो वाइपर्स है। कितने वाइपर्स है? दो वाइपर्स। एक वाइपर का लेंथ कितना है? 25 सेंटीमीटर। अब एक कार का जो वाइपर है वो कितना एंगल कवर कर रहा है? 115 डिग्री का एंगल वो कवर कर रहा है और वो इतने एरिया को स्वीप कर रहा है। बट ऐसे वाइपर्स कितने हैं? दो। एक ऐसा है और एक ऐसा लगा हुआ। सेम इसी डायमेंशन भी वही है, 25 सेंटीमीटर का है, ये भी कितना एंगल कवर कर रहा है? 115 डिग्री। अब हमें क्या बोला है कि ये दोनों वाइपर मिलके कितना एरिया झाड़ू मार लेंगे, ठीक, स्वीप कर सकते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। अब गिवन में हमारे पास थीटा 115 डिग्री और रेडियस कितना है? 25। अब हम क्या करेंगे? हम सिर्फ एरिया स्वेप्ट बाय वन वाइपर निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय टू। रीजन, दोनों सेम है ना यार वाइपर्स। तो ये जो वाइपर का ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो एरिया कवर कर रहा है, वो कैसा दिख रहा है? सेक्टर के जैसा, राइट। अब सेक्टर का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है सबको मालूम? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 115। 360 पाई कितना है? 22/7। रेडियस इज 25 इंटू 25, ठीक है। 115 इंटू 22, 25 25 625, 360 इंटू 7, 22 into 6 625 कर लो फटाफट, कितना आ जाएगा देख लो। 5 2 6 12, तो ये भी 0 5 2 1 0 5 7 3, तो कितना आ गया? 115 into 13750 upon 360 into 7। अब ये 0 ये 0 क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। अब ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू को क्या करो? मल्टीप्लाई। 115 5 5 35 5 7 35 36 37 5 3 15 18 5 into 5 7 3 1 into 5 7 3 1, so this comes out to be 2 1 15 20 1 2. 7 plus 5 12, 12 plus 2 14, 14 plus 3 17, 8 हो गया, right? Okay, कितना आ गया? 158125 upon 36 into 7, ये आ गया अपनी एरिया स्वेप्ट बाय वन वाइपर, राइट। बट हमें कितना निकालना है? 2। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा तुम्हारा? टोटल एरिया इज इक्वल टू 158125 36 into 7 डी मल्टीप्लाइड बाय 2। ये पूरा एरिया एक था बट कितने चाहिए अपन को? 2 एरिया, राइट। अब देखो 2 1 2 18, कितना आ गया? 158125 18 into 7 7 8 15 126 आ जाएगा। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको अगर तुमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल्स, अदरवाइज ये अपना आंसर आ चुका है। अगर तुम्हें एक क्वेश्चन समझाओ फटाफट से नोट करो ताकि हम आगे मूव ऑन करें, ओके। तो देखो अभी हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 12, ओके। अब 12 क्वेश्चन में क्या बोला है? एक लाइट हाउस है जो हमारे शिप्स को वार्न कर रहा है अंडर वाटर रॉक्स, अगर कई शिप जाके रॉक से टकरा ना जाए, तो इसीलिए उसको वार्न करने के लिए लाइट हाउस ना उनको वार्न कर रहा है, ठीक है। अब क्या बोला है? जो लाइट हाउस का जो लाइट है ना वो कितने दायरे में फैला हुआ है? अब जो लाइट हाउस का लाइट है ना वो कितने दूर तक जा रहा है? 16.5 किलोमीटर तक वो लाइट फेंकता है। और कितने एरिया तक स्प्रेड होता है वो लाइट? देखो अगर हम यहाँ से लाइट फेंक रहे हैं तो हम कुछ एक एंगल पे फेंकेंगे, राइट, ऐसे ऐसे फेंक रहा है वो, और कितना एंगल कवर कर रहा है वो? 80। अगर सोचो ये लाइट हाउस है तो ये इतना एरिया कवर कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ एंगल होगा, राइट। अब हमको यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे है 80 डिग्री और इसका लेंथ है 16.5 किलोमीटर। अब हमें निकालना है कि कितने एरिया में ये जो लाइट हाउस का लाइट है वो फैला हुआ है। इतने एरिया में फैला हुआ है, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो एरिया आया है वो कैसा है? सेक्टर के फॉर्मेट में है ना। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन थीटा कितना है? 80 डिग्री। रेडियस कितना है? 16.5 किलोमीटर। थीटा रेडियस आ गया और हमको बोला है कि पाई यूज करो 3.14।
मेक श्योर जैसा क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है ना तुम वैसे ही वैल्यूज उठाओ. अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, राइट, एरिया ऑफ सेक्टर ऐसे लिख देना, एरिया ऑफ एरिया कवर्ड बाय लाइट हाउस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा कितना है, 80 अपॉन 360 3.14 16.5 इंटू 16.5. इसको अच्छे से काटना पड़ेगा, कट कट, 4 2 4 9 36 3 3 5.5 3 1 5.5. आ गया सर, तो 2 × 3.14 5.5 × 5.5 ये कितना हो जाएगा, 2 × 3.14 = 2 4 8 2 1 2 और ये हो जाएगा 5 6 30.25. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 0 2 5 × 6 2 8 8 5 40 8 2 16 16 plus 20 8 0 0 8 0 24 5 2 0 0 2 3 6 cut 6 5 30 6 2 12 15 6 0 1 6 3 8 0 0 7 9 6 7 कितना देगा, 9 9 9 कितने नंबर का पॉइंट है, 1 2 3 4 1 2 3 4 तो आ गया अपना आंसर 189.97 किलोमीटर स्क्वायर तक लाइट हाउस का एरिया या लाइट स्प्रेड होने वाला है. ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन कितना अच्छे से किसको आती है वही मैटर करता है और कुछ इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगना था, राइट. तो फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे क्वेश्चन कर लें. तो आज हम अभी 13th क्वेश्चन करते हैं. 13th क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे पास एक राउंड टेबल कवर है, एक राउंड टेबल कवर है और जिसके ऊपर टोटल डिजाइन कितने बने हुए हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा सुधार लेते हैं. हाँ चलो हो गया. अब इस पर कितने डिजाइन बने हुए और देखो डिजाइन किस फॉर्मेट में, ये तो ऐसा है, ऐसा 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 और ऐसा और डिजाइन बने हुए इस कोने कोने में ना, इधर ऐसे 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 इधर भी फिर डिजाइन है, राइट, और इधर भी हमारा क्या है डिजाइन है, इधर भी क्या है डिजाइन है और इधर भी क्या है डिजाइन है. ओके, अब हमें बोला है सेंटर में, अब हमें बोला है डिजाइन को, डिजाइन बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगता है, गिवन लिख देते हैं, गिवन बताया डिजाइन बनाने के लिए जो रेट लग रहा है ना, रेट इसका जो कॉस्ट है वो कितना लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमें पैसे लग रहे हैं ₹0.35. हमें बोला है कि ये पूरा डिजाइन करने के लिए हमें कितना पैसा लगेगा. अब देखो 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना पैसा लग रहा है, तो इस पूरे इसको सबसे पहले तुमको तो ये पता होना चाहिए कि जो डिजाइन है, जो तुम्हारा डिजाइन है वो कितने एरिया में फैला हुआ है, राइट, कितने एरिया में तुम्हारा डिजाइन फैला हुआ है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का इतना है तो तुम एरिया निकाल दोगे तो फिर ऑटोमेटिकली आ जाएगा. तो सबसे पहले फर्स्ट चीज करनी है, दैट इज हमें इन सारे डिजाइन का एरिया निकालना होगा कि जो डिजाइन है वो कितना एरिया ले रही है, ताकि जितना एरिया लेंगी उतने ज्यादा ही रेट लगेगा, राइट, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा रेट. और मेरी बात सुनो कैसे करेंगे, अगर तुमको ध्यान से देखेंगे हम क्या करेंगे, इसको ना सर्कल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कोनों से जोड़ देते हैं. ओके, अब मेरी बात सुनो, अगर सिर्फ हम एक पार्ट निकाल के ऑब्जर्व करेंगे, क्या किया अपन ने, एक पार्ट को ऑब्जर्व किया, ओके, खच 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 खच, अब जो डिजाइन है वो किसमें फैला हुआ है, एक सेगमेंट के अंदर है तुम्हारा डिजाइन, राइट, है ना, एक सेगमेंट में तुम्हारा क्या फैला हुआ है डिजाइन. अभी एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, सिर्फ ये निकालना होगा ना. अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकाल सकते हो, इस पूरे सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से तुम्हें ये ट्रायंगल को हटाना होगा, राइट, क्या करना होगा, सेक्टर माइनस ट्रायंगल. जब तुम इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को हटा दोगे तो तुम्हारे पास तो सेगमेंट आएगा, ठीक है, और ये जो सारे डिजाइन है क्या है, सिमिलर है. तो पहले एक डिजाइन का एरिया निकाल लेंगे और उसको क्या कर देंगे, एरिया ऑफ वन डिजाइन, और यही चीजें बाकी इसके लिए फॉलो हो रही है, राइट, तो इसका भी वही एरिया वाला है, इसका भी वही, इसका भी वही, इसका भी वही, इसका भी वही और इसका भी वही, तो एरिया ऑफ वन डिजाइन मल्टीप्लाइड बाय 6. ओके,
इधर सबसे पहले तुम्हें एंगल निकालना होगा, एंगल एट द सेंटर। अब एंगल एट द सेंटर निकालने का तरीका क्या था? सबसे पहले देखो सर्कल कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने पार्ट में भी सर्कल डिवाइडेड है ना वो पहले कैलकुलेट कर लो, कितने पार्ट में डिवाइडेड इधर 6। अब तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए सेंटर पे ये पूरा एंगल कितना होता है, 360 का होता है। कितने का होता है? 360 का होता है। बट एक सेक्टर के लिए सिर्फ ये वाला एंगल पता होना चाहिए, मतलब इस सेक्टर के लिए ये वाला एंगल पता होना चाहिए। अब वो कैसे निकालेंगे? एंगल सबटेंडेड एट वन सेक्टर, उसके लिए क्या करोगे तुम? पूरा टोटल एंगल को 360 को टोटल एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्ट इन विच द सर्कल इज डिवाइडेड। जब भी एक सेक्टर के पास एंगल 60 डिग्री का होता है तो जो भी ट्रायंगल फॉर्म होता है वो कैसा होगा? इक्विलेटरल। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, मतलब ये भी 60 और ये भी 60। तो अभी हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का तरीका क्या है? एरिया ऑफ पूरे सेक्टर में से माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो ट्राइंगल है वो कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल है। क्यों? क्योंकि ये भी 60 है, ये भी 60 और ये भी 60 है। जब तीनों एंगल 60 होते हैं उन ट्राइंगल को क्या बुलाते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4a² और जहां पे a क्या होती है? तुम्हारी साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? θ/360 × πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? √3/4a² थीटा कितना है? 60/360 × 22/7 रेडियस है 28 × 28 है ना, गिवन था रेडियस कितना गिवन था तुम्हें 28 सेंटीमीटर माइनस √3 की वैल्यू लेने को बोली हमें 1.7 लेना है, तो 1.7/4 × 28 × 28 ओके ये कितना हो जाएगा 1 × 6 × 7 × 1 × 7 × 4 ओके इसको और काटा पीटी करना था 2 × 3 × 2 × 2 ओके तो कितना हो जाएगा 22 × 44 × 28/3 28 का स्क्वायर कितना होता है देख लो फटाफट करो 27 का 729 होता है तुम्हारा 28 का हो जाता है 8 × 16 22 2 × 6 6 4 8 784 ओके ये हो जाएगा 784/4 इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर एलसीएम निकालना पड़ेगा इसको इनटू 4 करेंगे और इसको इनटू 3 करेंगे ताकि नीचे एलसीएम क्या आ जाए 12 ये 12 आ गया ऊपर देख लो 44 × 176 × 28 ये कितना हो जाएगा 375.1 × 784 ओके क्लियर है सब अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तुम फटाफट से ये चीजें नोट डाउन कर लो ताकि कैलकुलेशन में हमें दिक्कत ना है 176 × 28 करो 8 × 6 × 28 8 × 6 × 56 60 8 × 8 ठीक है फिर 2 × 2 × 14 5 × 2 × 3 ओके कितना हो जाएगा 8 2 9 4 4 9 2 8 माइनस ये वाला मल्टीप्लाई करो 784 × 487 ओके कितना आया 487 ये 784 हो गया कितना हो जाएगा 5 × 4 = 20 कट कैसे हो जाएगा 5 × 4 = 20 5 × 8 = 40 42 5 × 7 = 35 39 48993 कितना हो गया माइनस 3998.4 डिवाइडेड बाय 12 अब इसको कैलकुलेट करो 4928.0 3998.4 7 7 6 4 6 कट 1 17 में से 8 जाएगा तो कितना 9 आएगा राइट फिर 9 में से 8 जाएगा फिर 11 में से 9 जाएगा तो आएगा 2 3 का आंसर 829
इसको मल्टीप्लाई कर लेते, डिवाइड कर, सबट्रैक्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 4928.00399840. ओके, तो 8 को कट किया तो 7 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, 2 को कट किया 1, 17 में से 8 जाएगा तो 9 आ जाएगा, 9 को 8 तो 11 में से 9 गया तो 2, 3, 18 में से 9 गया तो 9, तो आ गया 929.6 डिवाइडेड बाय 12. अब इसको डिवाइड कर लो, 12 1 जा 12 7 जा 84, 84 गया तो फिर इधर कितना आ जाएगा हमारा 8, 42.540 rupees. तो ये अपना रिक्वायर्ड आंसर है. अब तुम्हें एक चीज समझाओगे, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सिर्फ एरिया ऑफ वन डिजाइन निकालना है. एरिया ऑफ वन डिजाइन निकालने का उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है ताकि तुम्हें टोटल एरिया मिल जाए. और टोटल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट. टोटल एरिया कितना था 464.4 और कॉस्ट कितना था 0.35. सो यू गेट दिस आंसर. तो इसके साथ हमारा चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल कंप्लीट हो जाता है. अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स बहुत ज्यादा पास है. होप यू लाइक द वीडियो गाइस.